इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड का मेड इन इंडिया बहुआयामी कीटनाशक मिशन का प्रयोग अधिकतर फसलों में सुंडी वर्गीय कीट, अमेरिकन सुंडी, तंबाकू वाली सुंडी और सेमी लूपर इत्यादि के प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान IIL के प्रबंधक निदेशक राजेश अग्रवाल द्वारा दी गयी। फसल सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली देश की अग्रणी कंपनियों में से एक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड IIL ने नए जमाने का कीटनाशक मिशन पेश किया है। ये सोयाबीन, गन्ना, धान और सब्जियों आदि की रालों में विभिन्न सूडी वर्गीय कीट लेपिडोप्टेरा पेस्ट के नियंत्रण के लिए प्रभावी है। ये लिक्विड और ग्रेन्यूल्स दोनों की तरह का फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। इसका काम करने का तरीका अनोखा है, जो अन्य कीटनाशकों के प्रति कीटों के प्रतिरोध को नियंत्रण करता है। मिशन फसलों के प्रति लाभदायक कीटों के लिए भी सुरक्षित है। मिशन से मिलने वाले लाभों के कारण यह शानदार कीटनाशक समाधान है। साथ ही इसमें किसानों को बेहतर उत्पाद पाने में सहायता मिलेगी। मिशन का टेक्निकल और फॉर्मुलेशन का उत्पादन भारत में ही IIL द्वारा किया जा रहा है, जबकि पहले इसे आयात करना पड़ता था। यह हरित श्रेणी का कीटनाशक है, जो कि सबसे सुरक्षित श्रेणी में माना जाता है। IIL की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसका लाभ देश भर में छोटे से छोटे किसानों तक को मिलेगा। मिशन की कार्यप्रणाली संपर्क और सिस्टमेटिक है। इसका प्रयोग किए जाने पर भी कीटों को उदरवेश क्रिया द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मेरा नाम है राजेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के प्रोडक्ट किसानों के बीच में बहुत ही पॉपुलर हैं। ट्रैक्टर ब्रांड पेस्टिसाइड्स के नाम से हमेशा से ही ट्रैक्टर ब्रांड ने नई नई दवाई दी हैं और किसान को नई टेक्नोलॉजी उत्पाद उपलब्ध कराई है बहुत ही वाजिब दामों पे, किफ़ायती दामों पे। नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स किसानों के बीच लेके आना, उनको पॉपुलर करना ही इंसेक्टिसाइड का मेन ध्येय रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे टॉरी, विक्टर किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर हुए हैं और हाल ही में हमने जो अपने मिक्सचर प्रोडक्ट्स दिए हैं वो भी किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर हैं। आज कंपनी लॉन्च करने जा रही है मिशन, जो कि एक आधुनिक कीटनाशक है। मिशन को डिफरेंट क्रॉप्स में बोलवम के या सुंडी के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इसका ग्रेन्यूलर फॉर्मुलेशन है वो पेडी और शुगर केन के फार्मर के लिए बहुत लाभकारी है, और जो इसका SC फॉर्मुलेशंस है, जो मैं अभी हाथ में उठा रहा हूँ मिशन SC, ये प्रोडक्ट आज पल्सेस के लिए, सोयाबीन के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, खासतौर से कोल क्रॉप जहाँ पर जो सुंडी है इसको बहुत ज़्यादा सताती है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। जैसा मैंने बताया कि जब हम भारत में इस टेक्नोलॉजी को, किसी भी टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं और उसका फॉर्मुलेशन मार्केट में लेके आते हैं तो एकदम से उसका दाम किफ़ायती हो जाता है। पहले साल में ही इमीडिएटली लॉन्च करते ही इसको अफोर्डेबल बना देते हैं और अगले साल में हम लोग इसको और ज़्यादा अफोर्डेबल यानी हर आम किसान की रीच में लाने के लिए प्रोडक्ट को बना डालते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी के इसी तर्ज पर हिट हुए हैं, आम किसानों तक हम इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज़ को लेके जा पाए हैं। मिशन IIL के विस्तृत उत्पादों की श्रृंखला में एक नई कड़ी है। हमें इस छोटे से छोटे किसानों के बीच ले जाने में प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, जिससे उन्हें इसका अधिकतम लाभ मिल सके। हमें महाराष्ट्र के बाजारों से मिशन को बेहतर प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। हम अपनी शोध एवं विकास टीम को धन्यवाद देते हैं, जिनसे हम तक उत्पाद पहुँचाने के लिए अथक परिश्रम किया। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। NBC न्यूज़ के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।